महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सोमवार को सातवां दीक्षांत समारोह महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति कल्याण सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। ठीक 4 बजे कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल कुलपति सचिवालय से शोभायात्रा के रूप में बैंड बाजों के साथ समारोह स्थल के मंच पर पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश ने दीक्षांत भाषण दिया। इसके बाद राज्यपाल कल्याण सिंह ने 38 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 68 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। समारोह में कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन के अधिकारी, रजिस्ट्रार, डीन, एकेडमिक काउंसिल सदस्य, शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ड्रेस कोड के मुताबिक पुरुषों ने सफेद पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा और महिलाओं ने लाल किनारे वाली साड़ी और ब्लाउज पहनकर कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पूर्व कुलपति सचिवालय में हवन और पौधारोपण के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। कठिनाइयों से ये समझने की जो कठिनाई हमें आ भी रही है तो वो अगले पायदान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करने के लिए आई है। कैसी कोई कठिनाई है उससे घबराना और अपने प्रयासों को चुनौती मत देना। निराशा और हताशा के जीवन में अगर आदमी और परमात्मा का दिया और ये अमूल्य हमारा जीवन हमारा दृष्ट है। गौरतलब है कि 1 अगस्त 1987 को विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उस वक्त विश्वविद्यालय दयानंद कॉलेज के छात्रावास से शुरू किया गया था। बाद में कार्ड में जमीन आवंटित होने पर इस वृहद परिसर का निर्माण किया गया। राज्यपाल कल्याण सिंह समारोह में शिरकत करने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम करने के बाद मंगलवार को दोपहर 12 बजे विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गाँव मुहामी जाएंगे, वहां गांव के हालात देखेंगे और ग्रामीणों से संवाद करेंगे। इसके बाद वापस सर्किट हाउस पहुंचकर कुछ देर विश्राम करने के बाद जयपुर रवाना होंगे। देखिए, ये बहुत ही राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले सालों में लगभग 31 लाख डिग्रियां पेंडिंग पड़ी थी, पर हमारे गवर्नर साहब की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का ये परिणाम है कि अब हर विश्वविद्यालय में और नियमित रूप से और डिग्रियां वितरण का कार्य दीक्षांत समारोह आयोजित होने लगे। और यहाँ भी मुझे खुशी है कि अजमेर में ये 7वां दीक्षांत समारोह आज यहाँ आयोजित हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि गुलामी के प्रतीक, जो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था काला गाउन, उससे हमने तिलांजलि प्राप्त कर ली है और अब सफ़ेद कुर्ते पजामे में और महिलाएँ सफ़ेद साड़ी में आज डिग्री प्राप्त करती है। इतना सुंदर दृश्य लगता है कि हमारे देश में काले जामुन से हमको मुक्ति मिल गई। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है। मुझे इसका टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट मिला है। MBDS मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। मैनेजमेंट में मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं मैनेजमेंट में हमेशा आगे बढ़ूं और कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं या अपने किसी बड़ी कंपनी में जॉब करूं, और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे गोल्ड मेडल मिला।